दिल्ली के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास वाली बड़ी मस्जिद में आज जुमे की नमाज हो रही थी। जब वहां कुछ नमाजियों को जगह मस्जिद में नहीं मिली तो उन नमाजियों ने बाहर रोड पर मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। दिल्ली पुलिस के एक कर्मी ने जिस तरह से नमाज पढ़ रहे इन युवकों को लातों से पीटा है और उनकी नियतें तुड़वाई हैं, वो खुद में एक शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन की हैं। ये नमाजी जो नमाज पढ़ रहे हैं ये नियत बांधे हुए हैं, जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, और इनको किस तरह से दिल्ली पुलिस का ये कर्मी लातों से पीट रहा है और इनको नियत तोड़वाने पर मजबूर कर रहा है और इन्हें वहाँ से भगा रहा है, हटा रहा है। तस्वीरों में ये भी देखा गया कि कुछ लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की और ये कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका आपका सही नहीं है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। तस्वीरें इस वक्त पूरी तरह से वायरल हैं। अब वहाँ माहौल हंगामे का बना हुआ है, पुलिस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, हालात किसी भी तरह से बेकाबू ना हो इसके लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं और हालात को काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस अब अपने इस पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई करेगी और इस पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जिस तरह से इसकी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो बेहद शर्मनाक है और सवालिया निशान भी उन पर लग रहा है।